हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, महावितरण भर्ती 2019-2020 से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है और यह अपडेट आपकी 5000 वैकेंसी के लिए है। विदुक सहायक की वैकेंसी के लिए ये अपडेट आ रहा है। जो वहां के MSEDCL के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है और यह अपडेट आपकी वर्कर फेडरेशन की तरफ से भी आ रहा है, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, प्रकाश जी के ट्विटर के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया था कि कल जो है 4 तारीख को जो है आंदोलन 11:20 पे वो आंदोलन करने वाले हैं, जो उसके लेकर वर्कर फेडरेशन की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में हमारी विदुक सहायक की भर्ती से रिलेटेड और काफ़ी सारी भर्ती से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको अपने चैनल के स्टडी जोन के माध्यम से बताने वाले हैं। क्योंकि यह अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो इसलिए स्किप मत करिएगा। और दोस्तों, वीडियो को आप शेयर भी नहीं करते हैं दोस्तों, लाइक तो एक बनता ही है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जिस ग्रुप पर शेयर करना है जरूर शेयर करिएगा। क्यों दोस्तों, लाइक जरूर कर दिया, लाइक करने में दोस्तों आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है या पैसे भी नहीं लगते हैं, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने के लिए। तो वो वर्कर फेडरेशन ने आपकी विदुक सहायक को रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट दिया है, तो सबसे पहले जानने के लिए अभी हमारे स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महावितरण से हर बड़ी अपडेट या छोटी अपडेट, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो अनऑफिशियल अपडेट हो, हम आप तक शेयर करते रहते हैं। तो वो क्या अपडेट आ रही है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं सुनाने वाला हूँ कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन सुनिए, उसके बाद विदुक सहायक की आंदोलन को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वो है जो है पूरी जो अपडेट जानिए कि वर्कर फेडरेशन की तरफ से क्या अपडेट आ रही है। तो चलिए ये अपडेट आप सुनिए। वितरण कंपनी में निदेशक संलान, निदेशक मासम, कार्यकारी निदेशक मास, मुख्य महाप्रबंधक मास के पद कई महीनों से खाली हैं। आपको इस बात पर ध्यान नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जानते कि आप क्या खाली छोड़ना चाहते हैं। महावितरण और दो अन्य कंपनियों में रिक्त पदों को भरने के लिए घटना 10 वर्षों से लगातार हो रही है। सदया महावितरण कंपनी में कक्षा 25004 के लिए पद उपलब्ध हैं। काम कर रहे लिनेस्टॉप और मैकेनिकल क्लास पर रिक्ति के काम का तनाव आ रहा है। वर्कर्स फेडरेशन द्वारा निरंतर अनुवर्ती 2500 उपकेंद्र सहायक के कारण ۲۰۱۴ में पदों को विज्ञापित किया गया था, लेकिन भर्ती रद्द कर दी गई थी। 2019 में विद्युत सहायक और उपकेंद्र सहायक के 7000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, भले ही एक साल हो गया है। राज्य सरकार और महावितरण कंपनी के प्रशासन विभिन्न कारणों से विद्युत सहायक के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। तीनों कंपनियों के प्रबंधन ने वेतन वृद्धि समझौते के दौरान हर साल खाली पदों को भरने के लिए सहमति व्यक्त की थी। वह शब्द पूरा नहीं लगता है। विद्युत सहायक की नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवार नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने कई अलग अलग माध्यमों से नियुक्ति की तारीख की घोषणा, लेकिन वे मूर्ख बन गए। अब हमने महापरिषद में 8500 नए और रिक्त पदों को भरने की घोषणा की है। यदि पहला पदोन्नति बंद है तो सीटें कैसे भरेंगे? आपको इस कंपनी के प्रशासन से पूछना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से सरल आंकड़ा योजना लागू नहीं की गई है। यदि कोई नहीं बता सकता है कि इसे कब लागू किया जाएगा, तो यह 8500 सीटें होंगी। हमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
महापरिषद में रिक्त पद, यदि पहला पदोन्नति बंद है तो सीटें कैसे भरें? आपको इस कंपनी के प्रशासन से पूछना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से सरल आंकड़ा योजना लागू नहीं की गई है। यदि कोई नहीं बता सकता है कि इसे कब लागू किया जाएगा, तो यह 8,500 सीटें होंगी। हमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो आपको प्रदान करते हैं। महाप्रबंधन कंपनी के अध्यक्ष माननीय दिनेश वाघमारे साहब, वे बहुत अच्छे घर के आदमी हैं, केवल एक निदेशक, संचालन और उस कंपनी में काम करने वाले एक प्रभारी कार्यकारी निदेशक मान कंपनी को एक मनमाने तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि वे खुद को कंपनी का मालिक मानते है। इस पर गंभीरता से विचार करें। 4 जनवरी 2020 को प्रकाशकर के सामने हजारों बेरोजगारों को तत्काल भर्ती के लिए रखा जाएगा। महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी महासंघ का बिजली कंपनी में पहली सबसे बड़ी और लड़ाकू घटना के लिए सक्रिय समर्थन है। आपसे यह निवेदन है कि राज्य में मौजूद मुद्दे बहुत गंभीर हैं। यह उम्मीद की जाती है कि आप निवेश करेंगे और रियायत आईएसटीस को आएंगे।